आप सभी का ऑनलाइन न्यूज में मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं टॉप 10 न्यूज का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के नेताओं के साथ ली शपथ। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी विधायक पद की ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। सदन में सीएम योगी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। बीजेपी विधायक सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए किया नामांकन। 8 बार से विधायक हैं सतीश महाना। इस मौके पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी रहे मौजूद। वहीं सपा नहीं उतारेगी कोई अपना उम्मीदवार। मुख्तार अंसारी की लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को माना आरोपी। मारपीट मलबा पथराव मामले में आरोपी तय। लखनऊ जेल में पथराव मारपीट में आरोप तय। 8 अप्रैल को फिर से कोर्ट में होगी पेशी। गाजियाबाद में बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की 25 लाख रुपए की लूट। कई राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच। ग्रेटर नोएडा के कासरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। युवक को गोली लगी है। साले ने अपने जीजा पर चलवाई गोलियां। आधा दर्जन बदमाशों ने 18 राउंड की फायरिंग। दिल्ली पुलिस का सिपाही भी गोली चलाते हुए कैमरे में हुआ कैद। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। जिला प्रयागराज के थाना नवाबगंज में सड़क हादसा। ट्रक और कार में भीषण टक्कर। कार में 4 लोग घायल। कार सवार पीड़ित ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पुलिस चौकी श्रृंगवेरपुर में खड़ी है कार। बिजनौर में मिशन शक्ति को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त थानों पर महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस कर्मियों को किया गया नियुक्त। इस मौके पर डॉक्टर धर्मवीर सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह रहे मौजूद। वहीं पर गोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आगरा के एनडीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। तमिलनाडु एक्सप्रेस से पकड़ा चोरी का सामान का जखीरा। तमिलनाडु एक्सप्रेस B6AC कोच में पकड़ा गया जखीरा। भारी मात्रा में 9 लैपटॉप 3 टैबलेट 41 मोबाइल समेत चोरी का अन्य सामान बरामद। बिजनौर के नहटोर झालू मार्ग पर हादसा। कार और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटी। स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल CIC में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में परीक्षा केंद्र से लौट रहे युवक की ट्रक की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच।